दोस्त, यदि आपका भी यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है डिलीट मैसेज हो चुका है, कोई मैसेज सेंड किया, मैसेज सेंड करने के पश्चात डिलीट हो चुका है मैसेज और उसे आप लोग रिकवर करना चाहते हैं, तो मात्र ये क्लिक करेंगे सभी सभी डिलीटेड मैसेज रिकवर हो जाएंगे। चाहे जितना भी ओल्ड होगा डिलीटेड मैसेज, सभी सभी डिलीटेड मैसेज को आप लोग मात्र एक क्लिक करेंगे सभी सभी मैसेज डिलीट और रिकवर हो जाएंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होंगे कि इस तरीके से, हालांकि वीडियो बहुत देखे होंगे कि इस तरीके से रिकवर करें, उस तरीके से रिकवर करें, लेकिन आप लोग रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्त, आज ऐसा तरीका बताऊंगा जहां से मात्र आप लोग एक मिनट के अंदर में सभी डिलीटेड मैसेज को रिकवर कर लेंगे। तो कैसे रिकवर करना है दोस्त, आपको मैं बताऊंगा। और हाँ दोस्त, कभी कभी होता है कि जो लोग मैसेज को सेंड करते हैं, सेंड करने के बाद तुरंत डिलीट कर देते हैं, तो हम लोग उसे नहीं देख पाते। तो कैसे आप लोग तुरंत मैसेज को देख पाएंगे, मतलब कि जो वो डिलीट कर देंगे फिर भी आप लोग उस मैसेज को देख पाएंगे, जैसे यहां पर लिखा हुआ दिस मैसेज वाज डिलीटेड। ओपन करने के पश्चात यहां पर आपको सर्च करना है क्या, CHATS चैट्स, फिर यहाँ डालना EARN, फिर यहाँ डालना हरी चैट्स और नहरी, चैट्स और नहरी, चैट्स और नहरी डालने के पश्चात टाइप कर देंगे दोस्त। टाइप करना सिंपल ही आपको दिखाई देगा com@nhari.com, यहाँ पे देगा सीन लेगा, वेट करेंगे। जब आप यहां पर आ जाएंगे तो इसे ऊपर नीचे करके वेबसाइट को अच्छे से रिलोड हो जाने दीजिएगा। यहां पर आपको इंस्टॉल नाउ का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर में ऑलरेडी रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के पश्चात में आप भी इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल कर लीजिएगा एप्लीकेशन। इंस्टॉल करने के पश्चात ओपन करेंगे, जैसे बता रहा हूँ दोस्त आपको सेम टू सेम हूबहू आपको वैसे ही करना है। तो आप लोग बस बताए गए स्टेप्स को आपको धीरे धीरे फॉलो करना है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है स्टार्ट वाला बटन, स्टार्ट वाले फिर यहाँ पर ट्राई टू लिमिटेड वाले वर्जन पर क्लिक करना है। जैसे बता रहा हूँ दोस्त आपको सेम टू सेम करना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन को अलाउ कर देना है, नोटिफिकेशन अलाउ करने के पश्चात में इसको भी आपको अलाउ कर देना है। जैसे बता रहा हूँ दोस्तों वैसे ही करना, फिर ऑटो स्टार्ट, फिर फाइल स्टोरेज सभी को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के पश्चात नीचे दिखाई देगा एक ओपन का बटन, ओपन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर रिकवर वाले पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात में जो भी आएगा परमिशन आप लोग दे दीजिएगा। यहाँ पर आने के पश्चात यहाँ पर दिखाई देगा एक डिलीटेड मैसेज, इसी वाले पर आपको करना है क्या क्लिक है। यहाँ पर दिखाई देगा यूज दिस फोल्डर, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे बता रहा हूँ दोस्तों सेम टू सेम आप लोग स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इसके पश्चात दोस्त जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे डिलीटेड मैसेज आपके सभी के सभी शो होने लगेंगे। तो दोस्त यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा डिलीट मैसेज पर आप लोग सारे के सारे मैसेज यहाँ पर देख सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर दिखाई दे रहा है GB नेम से, तो यहाँ पर सभी सभी मैसेज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर 2:00 देखेंगे लास्ट मैसेज कब आया था, 2:53 यहाँ पर नीचे दिखा था, 2:53 पर आया था। यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट वाला मैसेज कब आया था, 2:53 पर। यानी इस तरीके से दोस्त आप लोग चाहे जितना भी ओल्ड से ओल्ड डिलीटेड मैसेज था, सभी सभी डिलीटेड मैसेज को आपको ओपन कर लेंगे और यहां से सभी मैसेज को आप लोग बहुत ही आसान से जितने भी डिलीटेड मैसेज सभी यहां पर आपको शो होने लगेंगे। तो दोस्त इस तरीके से आप लोग भी डिलीटेड मैसेज को रिकवर कर सकते हो। तो दोस्त अभी का भी जाओ सर्च करो चैट्स और नहरी और सभी डिलीटेड मैसेज को आप लोग रिकवर करो।